नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आने वाले हैं और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव से पहले पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर तमाम गाज सिलसिलेवार गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आने वाला उपचुनाव जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पूरी कोशिश यहां पर करते नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर तैयारियां अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहकर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण मैदान में हैं। वहीं अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उपचुनाव में कहीं ना कहीं ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। तो तमाम यहां पर सियासी जो माहौल है वो गर्माता जा रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह ही उनकी आने वाले उपचुनाव में हार का कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर अखिलेश यादव बड़ा ऑफर देते हुए नजर आते हैं कि 100 लाइए और सरकार बनाइए, और ऐसे में यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी के या यूं कह के एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम नेताओं से मुलाकात करना और सीएम योगी आदित्यनाथ से दूरियां बनाकर रखना कहीं ना कहीं ये संकेत देता हुआ नजर आता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं खिसक सकती है। इस पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने से कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में क्या वाकई आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी? क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हुए नजर आएंगे? क्या सरकार कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आएगी? क्या कुछ यहां पर होने वाला है विधानसभा चुनाव 2027 से पहले, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, कहीं ना कहीं फैसला तो शीर्ष का मान लेता है लेकिन उसका जो पूरा ठीकरा है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर फूटता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में यही माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हटने की बात रही तो जाहिर तौर पर उनकी कुर्सी पर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई हैं। और कांवड़ यात्रा के बाद योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चर्चा में आए, जनता का भी गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। वहीं तमाम तरीके के नेता भी जो एनडीए सरकार के नेता हैं और जो एनडीए में सहयोगी नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये बात बोलते हुए नजर आए कि अगर इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आपने देखा कि अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि जो पूरा एक तरीके का खेमा कह लीजिए, और वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य का इस तरीके से बगावती सुर अपनाना और ये कहना कि आप विभाग का ब्यौरा दीजिए कि आपने कितनी नियुक्ति की, कितने आरक्षण किए, किसको कितने परसेंट आरक्षण आपने दिए हैं अभी तक, इस तरीके की जानकारी मांगना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एनडीए गठबंधन हो या अगर भारतीय जनता पार्टी, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मीटिंग है। माना ही जा रहा है कि इस मीटिंग में किसी भी तरीके का समझौता हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से या फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वहीं जब 25 मिनट तक पल्लवी पटेल से मुलाकात होती है, इस बात के भी मायने निकाले जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपना राजनीतिक दांव चलना शुरू कर दिया है और इसी राजनीतिक दांव के चलते ही अनुप्रिया पटेल को कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने के लिए पल्लवी पटेल को पार्टी में लाया जा रहा है। वहीं सिराथू सीट से पल्लवी पटेल 10,000 वोटों से केशव प्रसाद मौर्य को हरा देती हैं और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का किरकिरी का कारण बनता है। वहीं अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की बिल्कुल नहीं बनती है। तो अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का मुलाकात करना इस बात की तरफ संकेत करते हैं मनीष, कि कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ भी दबने वाले नहीं है, वो भी अपने पत्ते उन्होंने खोलने चालू कर दिए हैं। वहीं बीते दिनों अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से 43 विधायक, 10 मंत्री और 2 सांसदों के साथ एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, अपने सोशल हैंडल पर वो कहीं ना कहीं फोटोज उन्होंने डाले, तो इससे माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो बिना किसी बयान के, बिना किसी वार के कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास पूरा संख्या बल है, अगर वो उनसे दबते नहीं है तो जाहिर तौर पर उनकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कांवड़ यात्रा मामले में योगी आदित्यनाथ घिरते हुए नजर आए थे,
ये बात निकल के भी आ रही थी कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो जाती हुई नजर आए, लेकिन ऐसा अभी कुछ समीकरण जो है वो नहीं बन रहे, क्योंकि इस बार यूपी का जो योगी मॉडल है कह लीजिए, और जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है, अगर योगी सरकार या फिर योगी अपने पद से हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और बद से बदतर होती हुई नजर आएगी। और एक जो एरा चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का 10 सालों से, वो एरा भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो अब आने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले जिस तरीके से पार्टी के अंदर अंतर्कलह का माहौल देखा जा रहा है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर जिस तरीके से आँच आती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना ही खेल यहाँ पर खराब करती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या यूं कहें एनडीए के सहयोगी दल ही उनको यहाँ पर समर्थन देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर अलग अलग विचार सबके यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई एनडीए गठबंधन की जो केंद्र में सरकार है उस पर भी इन तमाम चीजों की आँच आती हुई आने वाले समय में दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है टीडीपी और जेडीयू के माध्यम से केंद्र की सरकार बनती हुई नजर आई, वहीं बिहार में भी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या वाकई उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी, या यूं कहें कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, मायावती जो कि पहली बार उपचुनाव में यहां पर अपनी ताल ठोकती हुई नजर आई, उससे पहले उपचुनाव में कभी उतरती हुई नहीं देखी गई, तो क्या वाकई लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती ने डिसीजन लिया, और ये डिसीजन कितना उनके लिए फायदेमंद रहेगा, इस पे भी यहां पर तमाम सवाल उठ के आते हैं। माही, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है, और यहां पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले दोनों ही नेताओं ने कहीं ना कहीं अपने पार्टी के यहां पर तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है यहां पर पार्टी प्रचारक भी बनाते हुए नजर आए हैं, तो क्या वाकई यहां पर चंद्रशेखर रावण आजाद और मायावती दोनों ही आने वाले समय में विधानसभा उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव 2027 हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत बनते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद और मायावती में जिस तरीके से होड़ लगी हुई है, आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद समाज के उन तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं, कावड़ का मुद्दा हो चाहे नमाज पढ़ने का मुद्दा हो, अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से मस्जिदों को ढका जा रहा है कावड़ यात्रा के दौरान, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उस पर खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं। वहीं मायावती हैं, अगर कोई भी मुद्दा होता है बस ट्वीट कर देती हैं, ना जनता के बीच में जाती हैं, ना कोई रैली करती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से ये साबित हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अब उन सभी वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं केवल इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव मिलकर साधने की कोशिश कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी इतना कामों के बाद कुछ नहीं कर पाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का पहली ही बार में 152,000 वोटों से जीत दर्ज करना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाले हैं, और इस बार के जो उपचुनाव हैं कहीं ना कहीं इस बात को प्रूफ देते हुए नजर आएंगे कि एक बार अगर आजाद यहां पर 1 से 2 सीटें निकाल लेते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती का जो वर्चस्व है वो एकदम गिरता हुआ नजर आएगा अगर वो एक भी सीटें नहीं निकाल पाती हैं, और कहीं ना कहीं मायावती का इस बार उपचुनाव में आना एक मजबूरी हो सकती है। इसके पहले उन्होंने उपचुनाव में किसी भी तरीके का दांव नहीं चला था, गठबंधन से भी काफी समय से वो दूर रही थी, लेकिन एक बार फिर से अगर उनकी ये मजबूरी बन रही है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उनके लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसी की वजह से मायावती अपनी रणनीतियों में बदलाव करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो मायावती का इतिहास रहा है अगर देखा जाए तो मायावती किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीछे नहीं थी, जो ब्राह्मण वोटर्स थे और दलित वोटर्स थे और कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स का भी साथ उनको मिलता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा कंपटीशन कहीं ना कहीं मायावती के लिए चंद्रशेखर आज़ाद बन गए हैं। वैसे में यही होगा कि मायावती अगर अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती हैं तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद बाजी मारते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में मायावती को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया जिस तरीके से पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, बड़ी करारी हार मिलती हुई नजर आई, तो ऐसे में सूबे में अपनी साख बनाने के लिए अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं मायावती को अब अपनी रणनीतियों को बदलना होगा, तमाम वो चीज़ें करनी होंगी जिनके माध्यम से आने वाले उपचुनाव में कुछ सीटें मायावती के पाले में या यूँ कहेंगे बहुजन समाज पार्टी के पाले में आती हुई दिखें, क्योंकि उपचुनाव के माध्यम से ही आगे का सफ़र तय किया जा सकता है। अगर उपचुनाव में बहुजन
बहुजन समाज पार्टी पिछड़ती है तो आने वाले समय में बिना गठबंधन के आगे बढ़ना लगभग मुश्किल लगता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस तरीके से पार्टी मजबूत करते हैं, 37 सांसद जिताते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर पार्टी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई नजर आती है सूबे में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है कि आने वाले समय में वो अपनी पार्टी के अंदर बिखराव को किस तरीके से समेटते हुए नजर आएंगे, पार्टी आलाकमान किस तरीके से इस स्थिति से उभर पाएंगे, और ऐसे में आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 के लिए क्या कुछ रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 News।